तो फ्रेंड कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेशनल के अंदर मैंने कंप्यूटर हॉल का बहुत कुछ मैंने को वीडियो पास समझा दिया था और बहुत कुछ मैंने पार्ट समझा दिया था। तो हमारा जो पोर्ट का वीडियो जो है वो होम पोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, मदरबोर्ड के पोर्ट के बारे में। तो पिछली वीडियो में जाकर देखे कंप्यूटर पावर पोर्ट क्या होता है, ओके कैसे काम करता है। PS2 कीबोर्ड माउस पोर्ट वगैरह समझा दिया था, USB पोर्ट समझा दिया था, पहला पोर्ट क्या होता है, सीरियल पोर्ट क्या होता है, VGA पोर्ट क्या होता है, पावर SMP इसके कौन कौन से पोर्ट्स होते हैं, माइक्रोफोन स्पीकर और बहुत कुछ, फोन एंड मॉडेम नेटवर्क एंड इंटरनेट वगैरह पोर्ट, HDMI पोर्ट, DVI पोर्ट अभी हमारा चल रहा है ओके। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा फाइव ऑडियो जिसको SPI कहते हैं, फिर IDE केबल पोर्ट, फिर साटा 3.6.8, ये सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा वन बाय वन ओके। फिर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के बारे में समझाऊंगा आपके और सभी जो सिंपल सा एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर डीप में। जब मैं इलेक्ट्रिकल का अलग से मैं कोर्स लेकर आऊँगा दूसरे चैनल के अंदर तब आपको पता चलेगा। तो हमारा जो DVI पोर्ट है ये किसे काम करता है, और हमने सीखा था कि हमारे कंप्यूटर के अंदर हमने हमारे DVI पोर्ट वगैरह जो किया है कैसे काम करता है आप लोग। तभी तो DVI पोर्ट के बारे में आपको समझा था कि पिछले वीडियोस के अंदर, तीस पहली फर्स्ट वीडियो के देख लीजिए, सेकंड वीडियो देख लीजिए ओके। तो कौन से अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो पोर्ट होता है यहाँ पर ओके, और DVI पोर्ट के अंदर कौन कौन से मैंने आपको समझा था पिछले की VGA क्या बेहतर है और DVI उससे भी क्यों बेहतर है। तो ये मैंने आपको समझाया था वन बाय वन करके ओके। तो ये कनेक्टर वगैरह पिंस वगैरह आप देख लीजिए ओके, और समझिए इसको पिछली वीडियो के अंदर। तो आज हमारा जो वीडियो है केबल लेंथ के बारे में बताएं, हम समझेंगे कि DVI पोर्ट के अंदर केबल लेंथ वगैरह क्या है ओके। तो देख सकते हो कि ये केबल है हमारा DVI का और कैसे काम करता है, इसकी केबल लेंथ क्या होती है, इसकी केबल लेंथ किस तरह से इसको बनाया गया है, VGA से भी बेहतर। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है, मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो ओके। यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, चैनल है मेरी ओके। अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मेरे ये पुराना नेम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे, यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर के कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट और एडवांस लेवल पर, जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे, वीडियोस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा ओके। तो यहाँ पर हार्डवेयर नेटवर्क सॉफ्टवेयर यहाँ तक कि एडवांस टीका लेकिन और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितने भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया आपको जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर के नाम से ओके। तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आप स्टार्ट किए ओके, तो
जिसको रेड है लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कॉन्टैक्ट में। तो जो नए टेक्निकल मुझे माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कम्प्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता कौन प्रोडक्ट की प्रॉब्लम है आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर, विंडो 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है उनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया है यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेस है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स, अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सीखा यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए, सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेडे लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्यून है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो उसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ, तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकते हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो अगर आपके पास पहले से बेसिक काम होना चाहिए, तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकते हैं कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि केबल लेंथ की हम बात करें तो ये विजय की तरह ये कम से कम 1.5 मीटर से 2 मीटर तक का ही इसका केबल होता है यहाँ पर विजय की तरह। इसकी हालांकि इसके पिन का जो पोर्ट होता है वो कुछ अलग हो सकता है, सिंगल चैनल या ड्यूअल लिंक। ओके, तो ये होता है यहाँ पर।
और ये इम्पोर्टेंट होता है। तो मैक्सिमम लेंथ जो होता है 4.5 मीटर से ज़्यादा होगा। ओके, तो द मैक्सिमम लेंथ रिकमेंडेड टू डीवीआई केबल्स इज नॉट इंक्लूडेड द स्पेसिफिकेशन। इसकी कोई केबल की सही तरीके से स्पेसिफिकेशन नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी बेहतर काफ़ी हाई लेवल का ये जो ही केबल है पीछे से बेहतर। तो ये ज़्यादा जो अगर इसकी ध्यान से बात कर जनरल सिस्टम की बात करी जाए, तो इसको आप 1.5 मीटर या 2 मीटर जो होती है वो कंप्यूटर से होती है। लेकिन ये दूसरी चीज़ों के अंदर भी यूज़ होते हैं यहाँ पर, जैसे कि बड़े बड़े टीवी स्क्रीन के अंदर, टीवी टीवी सिस्टम्स के अंदर, तो उसके अंदर 15 फीट तक का भी हो सकता है, 49 फीट का भी हो सकता है, मतलब कि 4.5 मीटर से 15 मीटर से भी बड़ा बहुत लंबा केबल हो सकता है। तो जैसा कि होता है, क्योंकि उसके अंदर पिक्सल्स, उसके अंदर क्लॉक रेट, उसकी फ्रिक्वेंसी और काफ़ी बेहतर क्वालिटी के अंदर ये बेसलेस भेजता है यहाँ पर। ओके, ये केबल की पोर्ट की ही टेक्नोलॉजी के काफ़ी बेहतर एक रिजल्ट देता है यहाँ पर। तो सिंस इनका डिपेंड ऑन द पिक्सल क्लॉक फ्रिक्वेंसी, ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है। एक जनरल केबल लें तो आप जो होता है 4.5 मीटर, इसको 4.5 मीटर जो होता है 15 फीट के अंदर व्हील वर्क करता है, किसके लिए, डिस्प्ले रिजोल्यूशन के लिए। तो 1920x2200 तक ये जो होता है ये काफ़ी बेहतर जनरल केबल्स होता है, लेंथ होता है यहाँ पर के सामने होता है। तो लॉन्गर केबल जो होता है वो 15 मीटर से 49 मीटर की लेंथ के अंदर यूज होता है यहाँ पर डिस्प्ले रिजोल्यूशन, और ये 1280 से 1200 या फिर इसके कम लेवल में भी ये चल जाता है यहाँ पर। ओके, तो फॉर रदर देन डिस्टेंस द यूज ऑफ द केबल डीवीआई बूस्टर एज सिग्नल रिपीटर इज द मे यूज एक्सटर्नल पावर सप्लाई इज रिकमेंडेड टू हेल्प मल्टी गेट सिग्नल डिग्रेशन। तो इसका सिंपल एग्जाम्पल मैं तो समझा देता हूँ आपको, कि मान के चलते हो कि आपका कोई लैपटॉप या फिर आपका कंप्यूटर डेस्कटॉप है जो आप डीवीआई पे चलाते हो, और आपका सिस्टम है यहाँ से कम से कम 150 फीट है या 600 फीट या 200 फीट दूर है, मतलब कि 20 मीटर या 35 मीटर से दूर है। तो वो जितना लंबा दूरी तय करेगा उतना आपका सिग्नल जो होता है वीक हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, आपको एक रिपीटर लगाना पड़ेगा, डीवीआई सिग्नल रिपीटर जो होता है वो अलग से पावर सोर्स लगाना पड़ता है, और फिर वो क्या करेगा बीच में लगाना होगा जहाँ से आपका सिग्नल जो है कम होता है वहाँ पर, फिर वहाँ से दूसरा केबल लेकर आपको फिर से आपको कनेक्ट करना होगा। तो इसको एक्स्ट्रा बूस्ट पावर देता है और सिग्नल को काफ़ी बेहतर बनाकर फिर से वो भेज देता है यहाँ पर। तो यही उसका जो होता है वो एक्स्ट्रा एक्सटर्नल जाए पर जाता है यहाँ पर, ये होता है केबल का काम। ओके, क्योंकि कोई भी केबल होता है उसका जो सिग्नल जो होती है वो जैसे जितना ट्रैवल करेगा, जितना लंबी दूरी तय करेगा, मिनिमम ये 15 मीटर तक ही, फिर उसके बाद जो है डाउन होता है, उसके सिग्नल कम हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो इसलिए, मतलब कि 4.5 मीटर या कुछ लोग होते हैं जो 10 मीटर के अंदर ही वो क्या पावर सप्लाई के साथ जो इसका एक रिपीटर आता है डीवीआई बूस्टर जो बोलते हैं उसको, सिग्नल जहाँ पर वीक होते हैं वहाँ पर इसको लगा दिया जाता है, क्योंकि वहाँ से वो सिग्नल डीवीआई बूस्टर रिसीव करके फिर से काफ़ी बेहतर सिग्नल बनाकर आगे की ओर भेज देता है, कि जो हमारा डिस्टेंस है वो कवर हो जाए, मतलब हमारा जो लंबाई जो है इसके मतलब कि बहुत ही लंबी दूरी तय करनी है डेटा को, तो उस लंबी दूरी को तय नहीं करता डिस्टेंस, मतलब कि वो ट्रैवल नहीं कर पाता। तो जहाँ पर वो सिग्नल वीक हो जाता है तो उस केबल की दूसरे जगह पर उसको फीड फीड कर दिया जाता है, और फिर आगे से उसको भेज दिया जाता है केबल के अंदर। बिल्कुल हमारे जो कुछ एम्पलीफायर की तरह काम करता है वो डीवीआई बूस्टर। ओके, तो केबल का एक भाग जब होता है, मान के चलते हैं कि ये जो केबल का एक भाग वो हमारे कंप्यूटर के अंदर जाएगा, अब कुछ जगह पर डिस्टर्ब पर जाके केबल जो है यहाँ पर आया है 1500 मीटर, तो यहाँ पर ये सिग्नल वीक हो जाता है। अगर आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि कभी कभी आपको पिक्सल अच्छा नहीं चलेगा, माउस को मतलब माउस भी कमजोर लगेगा, काफ़ी फास्ट नहीं होगा, क्योंकि सिग्नल जो है वो रिफ्रेश रेट या पिक्सल क्लॉक वगैरह जो है वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि उतने डिस्टेंस पर उतनी दूरी पर वो सिग्नल जो होता है वो कम हो जाता है। तो कम हो जाता है तो उसी जगह पर हम डीवीआई बूस्टर सिस्टम लगाते हैं। डीवीआई बूस्टर एक डिवाइस आता है, उस डिवाइस का उसका भाग लगाते हैं, फिर से दूसरा हम डीवीआई केबल लेते हैं, फिर उसके दूसरी जगह पर लगाते हैं, और फिर यहाँ से हम सीधा मॉनिटर या फिर दूसरे बड़े बड़े डिस्प्ले के अंदर हम लगाते हैं। इस तरह से हम
एवर लेंथ की लंबाई को हम ट्रैवल करता हुआ हमारा डेटा जो होता है ट्रांसफर होता है वो इसको कवर कर लेते हैं। तो ये डिवाइस हमारा जो होता है वो अलग तरह का की एक तरह का सिग्नल सेंडिंग और रिसीविंग सिस्टम पार्ट होता है, पोर्ट्स होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक खास तरह का हमारा सिग्नल जो है सेंडिंग और रिसीविंग वगैरह जो आपके सामने है ये जो डेटा होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो हमारे जो सामने देख सकते हो कि ये जो है हमारा डीवाई एक सिग्नल में इंपॉर्टेंट पार्ट वगैरह जो होता है। और यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे कि हमारे डीवाई सिस्टम ऐसा जो है एक तरह का आपके सामने ये देखना होगा कि अगर आप जहाँ से सिग्नल लेते हो वो कौन सा है, सिंगल या ड्यूअल है, ओके, और डिजिटल है या डिजिटल नेटवर्क दोनों को सपोर्ट करता है, ये भी आपको देखना होगा, उस हिसाब से आपको डीवाई बूस्टर लेना होगा। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है और इसको ध्यान से समझोगे तभी आपको पता चलेगा। तो हम नेक्स्ट में समझेंगे डिजिटल लाइसेंस क्या होता है, डीवीआई के डिजिटल कैसे सपोर्ट करता है ये भी हम समझेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, नेक्स्ट टाइम इसी टॉपिक से कंटिन्यू करूँगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें क्योंकि मेरी हर वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। क्योंकि अगर आप कंप्यूटर हार्ड के कोर्स कंप्यूटर हार्ड का पूरा नॉलेज लेना चाहते हो तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो थैंक यू, नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक डिजिटल कि किस सिस्टम होता है वो। तो थैंक यू, नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। सो थैंक यू, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो थैंक यू, देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी एक सिटी विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जैसे तो कि विंडो 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है, कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी मिली कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए, और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायर वॉल किस तरह से यूज़ करना है ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉयड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही तरह के यहाँ पर वीडियोज़ को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोज़ जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल यही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव नाइस डे, नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।